Hello everyone, this video is a sample recording from our live classroom session for GATE and UGCNET Computer Science. If you want to enroll for the UGCNET Plus course or the GATE Plus course, please call us on the numbers that is given in this video, and you can also visit our website, which is www.digimeta.com. I hope you like the video and please like and share with your friends. Hello, am I audible? Good evening. Okay. Okay, तो last class में हम लोग logic gates study कर रहे थे. Logic gates में हम लोगों ने NAND gate as a universal gate study कर लिया था और कुछ numericals भी किए थे. आज हम लोग study करेंगे NOR gate as a universal gate. ठीक है, तो बिल्कुल similar होगा जैसा हम लोगों ने NAND gate study किया था. तो यहां पर वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपका नॉर गेट होता है उसका यूज करके हम लोग बाकी सारे लॉजिक गेट्स क्या कर सकते हैं, रिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि नैंड गेट के थ्रू हम लोगों ने बाकी सारे लॉजिक गेट्स रिलाइज किए थे, सिमिलरली नॉर गेट का यूज करके भी हम बाकी के सारे लॉजिक गेट्स रिलाइज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहां पर बात करता हूं नॉट गेट की, तो नॉट गेट को अगर हम रिलाइज करना चाहते हैं वाया यूजिंग नॉर गेट, तो किस तरीके से रिलाइज कर सकते हैं? जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में नैंड गेट से किया था. नॉर गेट का काम क्या होता है आपका? नॉर गेट के थ्रू जितने भी इनपुट आप दोगे नॉर गेट में, सबके सब क्या हो जाएंगे? ऐड, और क्या हो जाएगा आपका? होल बार. तो अगर मैं टू इनपुट नॉर गेट में दोनों के दोनों इनपुट ए दे दूं, तो ए प्लस ए का होल बार ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए का बार. ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर गेट वाया यूजिंग नॉर गेट. नाउ सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं यहां पर और गेट की, तो और गेट सपोज करो अगर हमें ए प्लस बी बनाना है. ठीक है, अगर हमें ए प्लस बी बनाना है तो नॉर गेट के थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं? सिंगल नॉर गेट से, सिंगल नॉर गेट से हम अचीव कर सकते हैं ए प्लस बी का होल बार. तो अगर हमें ए प्लस बी बनाना है तो हमें क्या करना होगा? ए प्लस बी का बार का बार, तो कितना आ जाएगा आपका? ए प्लस बी. तो अगर हम यहां पर एक नॉर गेट का यूज करके ए प्लस बी का होल बार अगर बना लेते हैं और उसके बाद एक और कॉम्प्लीमेंट यूज करें, कॉम्प्लीमेंट मिस नॉट गेट, तो ऑलरेडी हम नॉट गेट स्टडी कर चुके हैं. तो अगर हम ए प्लस बी का बार कर लें तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी और गेट. ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है. जिस तरीके से हम लोग नैंड से एंड बनाते थे वैसे ही नॉर से और बनाएंगे. ठीक है, नाउ थर्ड, अगर हम बात करते हैं एंड की, एंड मींस आपको ए बी बनाना है, ए इंटू बी. तो अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था. वो पॉइंट क्या था? कि जब भी आप नैंड गेट से रिलाइज करोगे तो नैंड गेट का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना. तो आपको कोई प्लस का साइन नहीं दिखना चाहिए. अगर प्लस का साइन दिख रहा है तो आप पहले डबल बार लगा के प्लस के साइन को रिमूव कर लो. सेम नॉर गेट का काम क्या होता है? प्लस करना, प्लस करके होल बार. तो आपको कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखना चाहिए. अगर कहीं पर भी आपको मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है तो सबसे पहले आप डबल बार लगा के उस मल्टीप्लाई के साइन को क्या कर दो? रिमूव कर दो. तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ए इंटू बी दिख रहा है तो सबसे पहले आप डबल बार लगाओ और सिंगल बार को ओपन कर दो, तो कितना हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार का बार. क्लियर है? अच्छे से, डबल बार हमने लगाया, डबल बार लगाने से मीनिंग चेंज नहीं होती है. फिर हमने नीचे वाले बार को ओपन कर दिया, हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑलरेडी आता ही है, तो कितना हो गया? ए का बार, डॉट की जगह क्या हो गया? प्लस बी का बार. नाउ इसे अगर हम रियलाइज कर दें तो यह कितना हो जाएगा? सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा?
ए से ए बार, ठीक है, उसके बाद बी से बी बार, ठीक है। तो हमने क्या क्या बना लिया, यहां पर ए बार बना लिया और बी बार बना लिया, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब ए बार और बी बार दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और होल बार हो रहा है, मतलब एक और नॉर गेट, तो कितना बन जाएगा हमारा एंड गेट, एंड ऑपरेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से यहां तक। तो नॉर गेट से अगर आपको एंड गेट बनाना है तो तीन नॉर गेट आपको लगेंगे टू इनपुट्स वाले। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर फोर्थ नंबर नैंड गेट की, नैंड गेट हमें क्या करना है, ए बी का होल बार। तो जिस तरीके से पिछले क्लास में हम लोगों ने और कर लेने के बाद नॉर के लिए क्या किया था, एक कॉम्प्लीमेंट लगाया था, सेम वैसे ही एंड कर लेने के बाद नैंड के लिए एंड के बाद बस एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो सबसे पहले आप एंड जनरेट कर लोगे ए बी और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, नैंड, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट लगाना हम लोगों को आता ही है, पॉइंट नंबर वन से आपको पता है नॉट गेट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो टोटल एंड के लिए लगेंगे थ्री और उसके बाद एक और लगेगा कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो टोटल हो गया आपके फोर, ठीक है। नाउ जो लास्ट के दो हैं आपके एक्सऑर और एक्सनॉर, फिर से यहां पर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक्सऑर और एक्सनॉर के बारे में पिछली बार आपको याद होगा मैंने कुछ अलग तरीके से कराया था, हमने नैंड गेट का यूज करके पहले एक्सऑर रियलाइज किया था। तो मैंने वहां पर आपको क्या बताया था, हमने पहले ए ए बार और बी बी बार ऐड किया था और टोटल आपके चार नैंड गेट लगे थे फॉर एक्सऑर के लिए, ठीक है। तो वो फिगर मैं यहां पर आपके लिए दोबारा बना देता हूं क्योंकि उसी फिगर का मैं यूज करने वाला हूं अभी नॉर ऑपरेशन में। अगर आपको याद हो वो फिगर या आपने कहीं नोट किया हो तो आप देख भी सकते हो, हम लोगों ने ये फिगर बनाया था लास्ट क्लास में, ये हम लोगों ने ए एक्सॉर बी बनाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। तो मैंने वहां पर आपको टोटल प्रोसीजर समझाया था कि आपको कैसे ए बार बी बार ऐड करना है, किस तरीके से कॉमन लेना है, एवरीथिंग। लेकिन अब नॉर गेट पे मैं वापस से आपको प्रोसीजर नहीं सिखाऊंगा, नॉर गेट पे सिंपल सी एक ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा, बेसिकली आप बोल सकते हो याद रखने का तरीका आपको सिखा दूंगा और उसके बाद प्रूफ करेंगे उसको कि वो नॉर गेट से जो रिक्वायर्ड गेट है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहां पर आपको ये पॉइंट बस माइंड में रखना होगा कि जिस तरीके से हम नैंड गेट से पहले एक्सॉर बनाते थे और उसका कॉम्प्लीमेंट करके एक्सनॉर बनाते थे, यहां पर जस्ट उल्टा है, नॉर गेट से पहले आप बनाओगे एक्सनॉर, ठीक है, मतलब यहां पर एक्सनॉर में चार लगेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करके बनाओगे एक्सॉर, मतलब एक्सॉर में पांच लगेंगे, जबकि नैंड से एक्सॉर के लिए चार लगते थे, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है आपको, जो फिगर आपने नैंड वाला बनाया था एक्सॉर बनाने के लिए, हर एक नैंड की जगह बस आप नॉर बना दो और आप देखोगे क्या आउटपुट मिलने वाला है आपको। हर एक नैंड की जगह आप नॉर लगा दो, सेम फिगर रखना है हमको बिल्कुल, ठीक है। तो हर एक नैंड की जगह आप नॉर जब लगाओगे और उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो नॉर का काम क्या होता है, प्लस करके बार करना। इस वाले नॉर के इनपुट क्या क्या है, ए है और ए प्लस बी का बार है, तो दोनों आपके क्या होंगे, प्लस होंगे पहले, फिर क्या होगा, होल बार। इस वाले का इनपुट क्या है, बी है और ए प्लस बी का बार है, तो दोनों पहले क्या होंगे आपके, एड होंगे, फिर क्या होगा, होल बार होगा।
और लास्ट में क्या हो रहा है, फिर से एक नॉर हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे, फिर से एड और होल बार होगा। तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब लास्ट के दो जो इनपुट है मेरे वो क्या क्या है, ए प्लस बी का बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी के बार का बार, ठीक है। चूंकि दोनों नॉर हो रहे हैं तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, होल बार। यहां पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन की लेंथ देख के आपको घबराना नहीं है। आपको जो मैंने तरीका सिखाया है कि हर एक लॉजिक गेट का काम याद रखो, तो नॉर गेट का काम क्या है, दो इनपुट को ऐड करके होल बार करना, चाहे वो इनपुट कितने ही बड़े क्यों ना हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बस उनको ऐड कर दो और उनका होल बार कर दो, दैट्स इट। तो यहां पर जब मैं होल बार को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल टर्म का बार हो जाएगा और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डॉट में। तो जब इंडिविजुअल टर्म का बार होगा तो बार का बार क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का बार और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में, तो ये क्या बचेगा, बी प्लस ए प्लस बी का बार, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का बार को फिर से डी मॉर्गन लगा के ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बार बी बार, बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ए इंटू बी, अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ए इंटू बी, ए इंटू ए बार बी बार, ए इंटू ए बार कितना होता है, फर्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, ए इंटू ए बार होता है जीरो। सिमिलरली ए बार बी बार इंटू बी, तो बी बार इंटू बी कितना होता है, अगेन जीरो। लास्ट ए बार बी बार इंटू ए बार बी बार, पहली क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, ए इंटू ए कितना होता है, ए, या एबीसी इंटू एबीसी कितना होता है, एबीसी। तो ए बार बी बार इंटू ए बार बी बार कितना होगा, ए बार बी बार। और अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्स नॉर ऑपरेशन पढ़ा था, एक्स नॉर गेट पढ़ा था, टू इनपुट एक्स नॉर गेट, वो अगर आपको याद होगा तो उसका आंसर यही आया था, ए बी प्लस ए बार बी बार। क्लियर है अच्छे से? तो सेम सर्किट जो आपने नैंड वाला बनाया था, नैंड वाले सर्किट में जहां जहां नैंड दिख रहा है वहां वहां नॉर लगा दो और सॉल्व करके देख लो। नैंड वाले सर्किट से आपको पहले मिलता था एक्सॉर, नॉर वाले सर्किट से पहले आपको मिलेगा एक्स नॉर, ठीक है। तो नॉर गेट से अगर आपको एक्स नॉर बनाना है तो टोटल चार एक्स नॉर, चार नॉर गेट आपके लगेंगे, ठीक है। और एट लास्ट अगर आपको एक्सॉर बनाना है तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया हुआ है कि टू इनपुट के लिए एक्सॉर और एक्स नॉर आपस में क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक्स नॉर के आगे एक कॉम्प्लीमेंट लगा दो, आपका आ जाएगा एक्स और ऑपरेशन, ठीक है। तो यहां पर एक्सॉर के लिए लगेंगे पांच और एक्स नॉर के लिए लगेंगे फोर। क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर मैं एक टेबल बना देता हूं आप लोगों के लिए, जो हम लोग लास्ट के दो क्लासेस से पढ़ रहे हैं, नैंड और नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। तो यहां पर मैं एक ब्रीफ समरी आपको दे देता हूं। तो यहां पर हम अगर नैंड और नॉर से बनाते हैं बाकी के लॉजिक गेट्स, सपोज करो अगर हम नॉट बनाते हैं या एंड बनाते हैं या और बनाते हैं, नैंड बनाते हैं और नॉर, और अगर हम एक्सॉर बनाते हैं या एक्स नॉर बनाते हैं, तो कितने कितने नैंड और नॉर लगेंगे आपको, वन वन टू थ्री, थ्री टू डैश फोर, फोर डैश फोर फाइव, फाइव फोर, ठीक है ना। तो लास्ट की दो क्लास से जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स का रियलाइजेशन यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, तो हम लोगों ने पढ़ाई हुआ है नॉर गेट के लिए दोनों में एक एक लगता है, एंड गेट के लिए नैंड से टू, नॉर से थ्री, नॉर वाला आज हमने पढ़ा है, ऐसे ही बाकी सारे लॉजिक गेट्स। तो मैंने सिर्फ नंबर लिखे हैं कि कितने कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, नैंड और नॉर लॉजिक गेट्स आपको लगेंगे बाकी लॉजिक गेट्स को रियलाइज करने के लिए। क्लियर है अच्छे से?
ठीक है, तो NOR ऑपरेशन आप सबको क्लियर है यहां पर. ओके, अब यहां पर जिन्होंने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, स्टडी की है, वो लोग मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और इस इक्वेशन को अब मैं टू इनपुट NOR गेट से रियलाइज करना चाहता हूं, तो कितने टू इनपुट NOR गेट मुझे लगेंगे? जैसा पिछली बार मैंने आपको लॉजिक गेट्स को रियलाइज करवाने के बाद कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वैसे सेम आज भी मैं करा रहा हूं NOR गेट के थ्रू कुछ क्वेश्चंस. तो हमें इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी को टू इनपुट NOR गेट से रियलाइज करना है. तो कितने लगेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, कितने लगने चाहिए आपको टू इनपुट NOR गेट फॉर a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी के लिए? किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है, चलो मैं इसको बताता हूं आप लोगों को वापस से. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि NAND गेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना. तो NAND गेट में कोई भी प्लस का साइन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, वैसे ही NOR गेट का काम होता है प्लस करना. तो NOR गेट में कोई भी डॉट का साइन या मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखना चाहिए. तो यहां पर सबसे पहले आप चेक करो कि क्या कोई मल्टीप्लीकेशन का साइन दिख रहा है, नहीं. इसका मतलब हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन दिख रहा होता तब हम चेंज करते. यहां पर चूंकि सारे प्लस हैं, तो लास्ट क्लास अगर आपने नोट किया हुआ है तो एक क्वेश्चन हमने कराया था ए बी बार सी डी NAND गेट के थ्रू, वहां पर सारे डॉट थे. तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप डायरेक्टली रियलाइज कर दो और जितने एंड और नॉट गेट लग रहे हैं उनको काउंट कर लो और देख लो कि एंड गेट के लिए कितने NAND गेट लगते हैं, नॉट गेट के लिए कितने NAND गेट लगते हैं. बस यहां पर भी सेम काम करना है, चूंकि यहां पर कोई मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, सारे प्लस के साइन है, तो आप इसको नॉर्मली रियलाइज कर दो. लाइक ए बी से बी बार बना दो, फिर आप यहां पर ए प्लस बी बार करो, देन ए प्लस बी बार प्लस सी, देन एट लास्ट ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी. ये आप परफॉर्म करो, ठीक है. चूंकि यहां पर आपको कोई चेंज करना नहीं था, यहां पर सारे प्लस के साइन थे, फिर अब आपको पता है नॉट गेट के लिए कितने NOR गेट चाहिए, वन, और गेट के लिए कितने NOR गेट चाहिए, टू, देन टू, देन टू, टोटल कितने हो गए, सेवन हो गए. ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लास्ट क्लास में कराया था NAND गेट के थ्रू. वहां पर भी आपको यही बात बोला था मैं कि चूंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हो तो अब उस थ्योरी को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसका आप डायरेक्टली यूज करो. तो डायरेक्टली यूज कब किया जा सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टली यूज तभी किया जा सकता है जब NAND गेट हो तो कोई प्लस का साइन ना दिखे, जब NOR गेट हो तो कोई डॉट का साइन या मल्टीप्लाई का साइन ना दिखे, तब आप डायरेक्टली एज इट इज यूज कर लो, ठीक है, क्लियर है अच्छे से. नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक डॉट का साइन दिख रहा है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, डॉट का साइन दिख रहा है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली रियलाइज नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि NOR गेट में देखो ये कोई बुक में लिखा हुआ रूल नहीं है, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व करके रूल बनाया है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सॉल्व कर पाए, कि NOR गेट में कोई डॉट का साइन ना दिखे और NAND गेट में कोई प्लस का साइन ना दिखे, दैट्स इट. तो यहां पर डॉट का साइन दिख रहा है तो आप डबल बार लगा दो सबसे पहले, और यहां पर आप डॉट के साइन को रिमूव करो. तो क्या करोगे,
एक सिंगल बार को ओपन कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ए प्लस बी का बार प्लस सी प्लस डी का बार। यही होता है हमारा, जब भी आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हो तो इंडिविजुअल टर्म का बार आ जाता है और डॉट किस पे कन्वर्ट हो जाता है हमारा, प्लस में। क्लियर? नाउ आप देख सकते हो ए प्लस बी का बार कितने लगेंगे, एक, सी प्लस डी का बार दो, फिर ए प्लस बी का बार प्लस सी प्लस डी का बार का होल बार कितने हो गए, थ्री हो गए। ठीक है, तो आपके थ्री नॉर गेट यहां पर लग जाएंगे। पहले से आप अचीव कर लोगे ए प्लस बी का होल बार, देन आप अचीव कर लोगे सी प्लस डी का बार, देन आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। क्लियर है अच्छे से यहां तक? नाउ तो आपके टोटल थ्री नॉर गेट लगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन लिया था ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मैंने नैंड गेट से रियलाइज करवाया था, और उसके बाद सेम ए बी प्लस सी डी को मैंने बोला था कि आप एंड और से रियलाइज करो। फिर मैंने आपको एक थ्योरी लिखाई थी कि नैंड नैंड रियलाइजेशन इज इक्वल टू एंड और रियलाइजेशन। ठीक है, सेम यहां पर भी अगर आप देखो इसे हमने नॉर गेट से रियलाइज किया है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी को, अब अगर इसे मैं और गेट और एंड गेट से रियलाइज करूं तो कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो क्या लगा हमारा, दो और गेट लगे और एक एंड गेट लगा। ठीक है, तो अगर अब आप कंपेयर करते हो तो देखो पहले स्टेज में, पहले स्टेज में नॉर, फिर से दूसरे स्टेज में नॉर, तो नॉर नॉर रियलाइजेशन। पहले स्टेज में देखो क्या है, और है, फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज मतलब दोनों के दोनों और, पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में एंड, तो आप क्या लिख सकते हो, अब हम लिख सकते हैं नॉर नॉर रियलाइजेशन इज इक्वल टू और एंड रियलाइजेशन। ठीक है ना, इसका मतलब कि अगर आप नॉर के बाद वापस से नॉर करो तो हमेशा इक्वल होगा और के बाद एंड करने के। ठीक है, जैसे कि आपका नैंड नैंड किसके इक्वल था, एंड और के। क्लियर यहां तक अच्छे से? तो ये जो क्वेश्चंस थे बेसिकली मैंने लास्ट क्लास से ही बिल्कुल मिलते जुलते लिए हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से, नॉर गेट के थ्रू ये दो क्वेश्चन। ओके, नाउ यहां पर अब मैं एक न्यू क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, बाय यूजिंग नॉर गेट आपको रियलाइज करना है, और एग्जैक्ट मैं आपको वन मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग बताना आंसर क्या होगा। मेरा क्वेश्चन है यहां पर ए बार बी बार प्लस सी डी। ठीक है, ए बार बी बार प्लस सी डी, ये आपको टू इनपुट नॉर गेट से रियलाइज करना है। ठीक है, टू इनपुट नॉर गेट, सेम टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, टू इनपुट नॉर गेट ए बार बी बार प्लस सी डी, और मुझे आप बताओ मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉर गेट कितने लगेंगे। जस्ट वन मिनट है आपके पास, किसी का हुआ, कोई भी आंसर आ रहा हो, आंसर रॉन्ग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक ने आंसर दिया है फाइव, चलो देखते हैं करके एक बार। तो यहां पर ए बार बी बार प्लस सी डी है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपको कोई भी नॉर गेट से जब भी रियलाइज करो ना, बिल्कुल एक थंब रूल दिमाग में बैठा लो बहुत अच्छे से, डॉट नहीं दिखना चाहिए, कोई भी डॉट, कहीं भी डॉट हो आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला, देखो ए बार बी बार, इसको तो डायरेक्टली आप डी मॉर्गन से ए प्लस बी का बार लिख सकते थे, मतलब नॉर के फॉर्म में ला सकते थे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं था, प्लस सी डी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो जैसा मैंने आपको बोला कोई डॉट नहीं दिखना चाहिए, तो देखो C इंटू डी ये भी एक डॉट है, क्योंकि C और D आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। मैं बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कोई डॉट नहीं दिखना चाहिए कहीं भी, कैसा भी डॉट, मतलब कोई भी मल्टीप्लीकेशन होना ही नहीं चाहिए जब भी आप नॉर से रियलाइज करोगे। ठीक है, तो
अगर मुझे अब इसे रिमूव करना है तो देखो, आपको याद होगा पहली क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, जो मैंने बोला था एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा साथ लेकर चलना है। तो थ्योरम मैं साइड में लिख देता हूं, ए प्लस बी सी क्या था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, याद है अच्छे से। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो अगर मैं इस वाले टर्म को a प्लस बी के होल बार को अगर a मान लूं, a प्लस बी के होल बार को अगर मैं a मान लेता हूं और सेकेंड वाले को इसको मान लूं b और इसको मान लूं c, तो a प्लस बी सी क्या होता है आपका, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो देखो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का बार प्लस सी, ए प्लस बी का बार प्लस डी। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जब मैंने ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर दिया तो उसके बाद अब देखो दो अलग अलग ब्रैकेट्स बन गए और उनके बीच में सिर्फ एक डॉट है, मुझे उस डॉट को अब प्लस में कन्वर्ट करना है। जब दो अलग अलग टर्म बन जाए ना तो फिर डॉट को प्लस में या प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने ट्रांसपोजिशन लगाया यहां पर। अब अगर मैं यहां पर सिंपली डबल बार ले लूं तो a प्लस बी का बार प्लस सी, a प्लस बी का बार प्लस डी। अब अगर मैं एक सिंगल बार को ओपन करता हूं यहां से तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका बार हो जाएगा, सेकेंड टर्म का बार हो जाएगा और बीच में साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो a प्लस बी का बार प्लस सी का बार प्लस a प्लस बी का बार प्लस डी का बार, ठीक है, यही होता है हमारा डी बॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो अब एक आंसर अब आया सही, फोर नॉर गेट्स। तो देखो यहां पर a प्लस बी का बार दोनों में प्रेजेंट है तो एक नॉर गेट हो गया, फिर a प्लस बी का बार प्लस सी का होल बार, क्लियर है ना, a प्लस बी का बार आपने जनरेट कर लिया, फिर a प्लस बी का बार प्लस सी का होल बार, मतलब दूसरा नॉर गेट भी लग गया। अब a प्लस बी का बार प्लस डी का होल बार, तीसरा नॉर गेट भी लग गया। और अगर लास्ट देखो आप, ये दोनों टर्म एड करके क्या हो रहे हैं, होल बार, मतलब फोर्थ नॉर गेट भी लग गया, ठीक है। तो चार नॉर गेट से आपका काम बन जाएगा, नो डाउट, डायरेक्टली इतना आसानी से आपको क्लिक करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्रैक्टिस के बाद ही क्लिक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आप बस बार बार प्रैक्टिस करते रहो इस तरह के क्वेश्चंस की। तो यहां पर जो मैंने सोचा, मैं आपके साथ क्लियर करता हूं, मैंने क्या सोचा कि मैं दो पहले अलग अलग टर्म क्रिएट कर लूं। देखो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली यहां पर अगर डबल बार लगाता तो आप समझो ये जो है प्लस, ये तो प्लस ही चाहिए मुझे, इसको डॉट में थोड़ा कन्वर्ट करना है, तो ये भी डॉट में कन्वर्ट हो जाता, वापस से फिर प्रॉब्लम हो जाती, मुझे तो सिर्फ एक सी इंटू डी वाले को कन्वर्ट करना था प्लस में, पर अगर मैं डायरेक्ट करने जाता तो ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाता बीच वाला, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, पहले दो अलग अलग टर्म बनाए ब्रैकेट्स में, जिनमें कोई भी आपका डॉट का साइन नहीं था, ठीक है, जिनमें आपका कोई भी डॉट का साइन नहीं था, तो उसके बाद ये आंसर हमारा इजी हो गया, क्योंकि इन ब्रैकेट्स में कोई डॉट का साइन नहीं था, बस बीच में डॉट का साइन था, तो हमने डबल बार लगा के डॉट को प्लस पे कन्वर्ट कर लिया। और रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। नाउ ये जो वाई आपका आ गया तो टोटल आपके फोर नॉर गेट यहां पर लग गए। नाउ ये टॉपिक अब मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं, नैंड और नॉर एज अ यूनिवर्सल। नेक्स्ट
यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, लॉजिक गेट्स हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कुछ दो तीन क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल लॉजिक गेट्स में से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अब नैंड और नॉर यूनिवर्सल में से नहीं, सारे के सारे लॉजिक गेट्स में से मैं कुछ दो तीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और तो ध्यान से देखना है। यहां पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका a इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो a एक्सोर b क्या होगा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो व्हाट विल बी a एक्सोर b। तो आप लोगों के पास अगेन वन मिनट है, आप लोग ट्राई करो कि आपको ए बी इक्वल टू जीरो गिवन है, इस बात को समझना कि आपको ए बी इक्वल टू जीरो गिवन है जिसका आप यूज कर सकते हो, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए एक्स और बी की वैल्यू जबकि ए बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, किसी का भी आ रहा है? देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, सोचो कि ए बी इक्वल टू जीरो है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। ऑब्वियसली बात है, जो गिवन है उस चीज का इस्तेमाल करो। तो ए एक्स और बी के इक्वेशन में कैसे भी करके ए बी लेके आओ, क्योंकि आपको वैल्यू तो ए एक्स और बी की ही निकालनी है। उसमें आपको इक्वेशन एक ऐसा बनाना है ए एक्स और बी का जिसमें ए बी आ जाए, जिससे आप ए बी को जीरो कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो, ओके, एक का आंसर वन आया, और किसी का, ओके। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि इस पर इतना टाइम लगे, अब तक हो जाना चाहिए था सबका, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैंने आपको क्या बोला कि ए एक्स और बी का इक्वेशन एक ऐसा बनाओ जिसमें ए बी आ जाए। तो देखो आपको पता है दो इनपुट के लिए ए एक्स और बी और ए एक्स नॉर बी आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए एक्स और बी को आप क्या लिख सकते थे, ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए एक्स नॉर बी का इक्वेशन क्या होता है, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ए एक्स और बी का कोई एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिससे ए बी दिख जाए आपको उस इक्वेशन में, तो अब आप उस ए बी का इस्तेमाल करो। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, जीरो। जीरो प्लस ए बार बी बार कितना हो जाएगा, ए बार बी बार। तो क्या बचेगा, ए बार बी बार का बार, ठीक है। अब अगर आप डी मॉर्गन्स लगा दो तो ए बार बार ए डॉट किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, तो प्लस बी बार बार बी। तो आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी। तो ये आंसर होगा, आंसर वन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। आपको सिर्फ ये थिंक करना था कि ए बी ए एक्स और बी के इक्वेशन में कैसे लेके आओगे आप। इसका एक और मेथड भी हो सकता था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो वहां पर जब हम लोगों ने एक्स और को रियलाइज किया था टू इनपुट नैंड गेट से, अगर आपने कहीं नोट कर रखा है तो उसे आप ओपन कर सकते हो, जो जो लास्ट क्लास अटेंड किए थे, जब हम लोगों ने एक्सोर रियलाइज किया था टू इनपुट नैंड गेट से, तो मैंने एक्सोर के इक्वेशन में सबसे पहले किया था ए बार प्लस बी बी बार, और फिर मैंने ए कॉमन लिया था तो ए बार प्लस बी बार आया था, फिर मैंने बी कॉमन लिया था तो ए बार प्लस बी बार आया था, फिर a बार प्लस b बार को मैंने लिखा था ab का होल बार। तो आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते थे जो आपने लास्ट क्लास में लिखा था। यहां पर भी देखो a एक्स और b में ab का होल बार आ रहा है, तो ab की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो। तो ab के बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो a इंटू वन a प्लस b इंटू वन b। तो कोई भी मेथड से आप कर सकते थे, आपका आंसर a प्लस b ही आएगा। क्लियर है यहां तक अच्छे से? नाउ एक और क्वेश्चन,
देखो y एक आउटपुट है जो दो इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। y हमारा एक आउटपुट है जो दो इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है और आपको y के आंसर्स लिखे हुए हैं y 0.0, y 0.1, y 1.1। सबकी वैल्यू गिवन है 1 और y 1.0 की वैल्यू गिवन है 0। ठीक है, तो y आपका एक आउटपुट है जो दो इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो y के आंसर्स आउटपुट y की वैल्यूज आपको गिवन है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए। और आपसे पूछा है क्वेश्चन ये पूछा है इफ यू हैव ओनली टू इनपुट नॉर गेट्स एंड टू इनपुट ऑर गेट्स, इफ यू हैव ओनली टू इनपुट नॉर गेट्स एंड टू इनपुट ऑर गेट्स, each gate cost is 5 units, 5 rupees ले लो, each gate cost is 5 rupees suppose करो या 5 units, then determine the cost of realization of this function y, this output y, then determine the realization of cost of this output y. Clear यहां तक? तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, यहां पर आपको एक y आउटपुट गिवन है, दो इनपुट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, आउटपुट y की वैल्यूज आपको गिवन है अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, आपके पास सिर्फ दो इनपुट नॉर गेट हैं और दो इनपुट और गेट्स हैं, बहुत सारे हैं बट जो नॉर गेट और गेट है वो दो दो इनपुट वाले हैं, और चाहे नॉर गेट हो चाहे और गेट हो, सब का जो कॉस्ट है इंडिविजुअल गेट का जो कॉस्ट है वो 5 rupees है, तो इस फंक्शन y को रियलाइज करने में टोटल कॉस्ट कितना लगना चाहिए, ट्राई करो इसको फटाफट, इजी क्वेश्चन है काफी ये, किसी का भी आंसर आ रहा है टोटल कॉस्ट कितना लगेगा अगर हर एक गेट का कॉस्ट 5 units है, तो इस फंक्शन को रियलाइज करना है y को, किसी का नहीं आया आंसर अभी तक, देखो अगर आप देखते हो y, अच्छा एक का आंसर आया 20, एक का आया 30, दोनों ही रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। देखो y जो है वो दो इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, मान लो दो इनपुट वेरिएबल आपके a और b हैं, तो जब a और b आपका 0-0 है या a और b 0-1 है या a और b जब 1-1 है, तो आंसर क्या है y का 1, सिंपल एक ट्रुथ टेबल आपको दिया हुआ है और कुछ भी नहीं, और जब a और b 1-0 है तो आंसर क्या है आपका 0 है, तो आप सिंपली एक ट्रुथ टेबल बना सकते थे a b 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, y कितना दिया है 1-1, 0-1। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप एसओपी या पीओएस फॉर्म कुछ भी यूज करो, जनरली आप एसओपी ही यूज करो, लेकिन जब नंबर ऑफ जीरोस कम हो नंबर ऑफ वन से तो हमेशा क्या यूज करो, पीओएस यूज करो। ठीक है ना, जब दोनों बराबर हो लाइक वन और जीरोस तो एसओपी यूज कर लो, इट्स ओके, लेकिन जब नंबर ऑफ जीरोस कम हो तो हमेशा पीओएस यूज करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर देखो आप नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक है, तो आप पीओएस से आंसर लिख सकते थे, पीओएस में हर एक टर्म किस फॉर्म में होता है, सम के फॉर्म में होता है, वन को क्या लिखते हैं बार, तो ये कितना हो जाएगा ए बार, जीरो को क्या लिखते हैं नॉर्मल, तो प्लस बी। ठीक है, अगर आप एसओपी में लिखते मतलब जहां वन 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 है उनको लिखते तब भी सॉल्व करने के बाद यही आता, लेकिन टाइम ज्यादा लगता, तो ए बार प्लस बी। अब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास सिर्फ टू इनपुट नॉर गेट हैं और टू इनपुट और गेट्स हैं और कोई गेट नहीं है अवेलेबल, 15 भी रॉन्ग है, तो यहां पर आप देखोगे ए बार जो है ए से ए बार
पहले बनाना पड़ेगा आपको। तो ए से ए बार बनाने के लिए और गेट से तो बना नहीं सकते, नॉर गेट से बना सकते हो, आज की क्लास में आपने पढ़ा है। नॉर गेट से नॉट गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट लगते हैं? एक, ठीक है। तो आप पहले ए से ए बार बनाते, ठीक है, तो एक नॉर गेट लगता, 10 करेक्ट आंसर है। अब ए बार और बी को क्या करना है? ऐड करना है। आप चाहते तो नॉर भी यूज कर सकते थे, लेकिन नॉर यूज करोगे तो आपको दो नॉर यूज करने पड़ेंगे और ऑपरेशन के लिए। आपके पास जब डायरेक्टली और गेट अवेलेबल है जिसका कॉस्ट 5 रुपीज ही है, तो आप डायरेक्टली और यूज करो ना, तो कितना हो जाएगा? ए बार प्लस बी, तो 5 और 5 10, 10 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर सिर्फ नॉर गेट अवेलेबल होते तब 15 करेक्ट आंसर होता। आपके पास नॉर भी है और भी, और आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर ए बी, ठीक है, ए एक्सोर बी एक्सोर ए बी, ये आपको सॉल्व करना है और मिनिमाइज्ड आंसर बताना है। जो मिनिमाइजेशन टेक्निक हम लोगों ने पहली क्लास में स्टडी की थी, ठीक है, वही आपको परफॉर्म करना है। बस लॉजिक गेट के फॉर्म में दिया है, मतलब एक्सोर ऑपरेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्सोर क्या होता है हमें पता ही है, ए एक्सोर बी क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो आपको दिया हुआ है ए एक्सोर बी एक्सोर ए बी, इसको आपको सॉल्व करना है और बिल्कुल मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो ट्राई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ साथ कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए एक्सोर बी को आप क्या लिख सकते थे, ए बी बार प्लस ए बार बी, और जो लास्ट वाला एक्सोर है आप उसको एज इट इज लिख सकते थे। पहले स्टेप में ए एक्सोर बी ए बार बी प्लस ए बी बार एक्सोर ए बी। अब अगर आप ध्यान से समझो एक्सोर होता क्या है, ए बार बी इंटू प्लस ए बी बार, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट वाले को ए मान लो, सेकंड वाले को बी मान लो, तो दोनों का एक्सोर करना है, तो क्या होता है, फर्स्ट वाले का बार कर लो इंटू सेकंड वाला प्लस फर्स्ट वाला नॉर्मल इंटू सेकंड वाले का बार, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी का बार इंटू सेकेंड वाला ए बी प्लस फर्स्ट वाला नॉर्मल फॉर्म में इंटू सेकेंड वाले का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग डी मॉर्गन्स ओपन करना चालू करें डी मॉर्गन्स के थ्रू, तो ये देख सकते हो आप लोग होल बार है, दो टर्म प्लस में है और उनका होल बार है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे और इंडिविजुअल का बार हो जाएगा। तो ए बी बार का बार डॉट ए बार बी का बार इंटू ए बी, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करते जाओ, किसी का अगर मेरे से पहले आंसर आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। देन ए बी बार प्लस ए बार बी, लास्ट में फिर से देखो ए बी का होल बार है, ए बी के होल बार को फिर से डी मॉर्गन से क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। अब यहां पर ए बी बार का होल बार है, फिर से डी मॉर्गन लगाओ, ए बी बार का होल बार है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो ए बी बार का होल बार, मतलब ए बार प्लस बी बार का बार, दैट मींस ए बार प्लस बी, फिर ए बार बी का होल बार,
अगेन डी मॉर्गन, तो ए प्लस बी का बार, फिर प्लस में। यहां पर आप ध्यान से देखो, ए बी बार इंटू ए बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ब्रैकेट्स को, तो ए इंटू ए बार क्या होता है जीरो, फिर ए बी बार इंटू बी बार, तो बी बार इंटू बी बार, ए इंटू ए क्या होता है ए, तो बी बार इंटू बी बार क्या होगा बी बार, तो एक टर्म आ जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी इंटू ए बार, ए बार इंटू ए बार कितना होगा ए बार, तो कितना आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बार बी इंटू बी बार, तो बी इंटू बी बार कितना होता है जीरो, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा हमारा। अब यहां पर फिर से देखो, इस इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बार इंटू ए जीरो, ए बार बी बार, फिर बी इंटू ए मतलब ए बी, फिर बी इंटू बी बार जीरो, और जो बाहर ए बी है उसको एज इट इज लिख दो, प्लस बाकी सब टर्म को एज इट इज लिख दो। अब यहां पर ए बार बी बार इंटू ए इंटू बी, ए इंटू ए बार करो चाहे बी इंटू बी बार करो, आंसर क्या आएगा जीरो। फिर ए बी इंटू ए बी, हमें पता है दो टर्म जब मल्टीप्लाई में रिपीट होते हैं तो ए बी ही आंसर हो जाएगा, प्लस बाकी टर्म को एज इट इज लिख दो। देखो अब तीन टर्म रह गए, अगर आप फर्स्ट के टू टर्म को देखो, फर्स्ट के टू टर्म को देखो तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लोगे तो बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा वन, तो कितना बचेगा ए प्लस ए बार बी, ठीक है ना, फर्स्ट के टू टर्म से ए कॉमन ले लिया तो बी प्लस बी बार वन हो गया, तो ए प्लस ए बार बी। अब हम लोग पहली क्लास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोजिशन, तो वन प्लस टू का फॉर्म आ गया, तो क्या सिखाया ट्रांसपोजिशन में, वन प्लस सेकेंड इंटू वन प्लस थर्ड, तो ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा आपका वन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्लियर। तो एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा भी है ए प्लस बी, करेक्ट आंसर आपका ए प्लस बी ही है, ठीक है। सारे स्टेप्स को आप अच्छे से देख सकते हो, सबको क्लियर है अच्छे से। देखो मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया हुआ है, बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का एम ये भी था कि जो हमने पहली क्लास मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़ी थी उसका भी रिवीजन हो जाए और साथ साथ लॉजिक गेट्स का भी रिवीजन हो जाए। सबको अच्छे से क्लियर है ए प्लस बी। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और सिखाना चाहूंगा। देखो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को जो मैंने भी सॉल्व किया यहां पर बोर्ड में, काफी लेंथी क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, लेंथी क्वेश्चन था। तो क्या एग्जाम में और कोई एक ऐसा तरीका हो सकता था, कहां से रिपीट करना है, एक स्टूडेंट लिखा रिपीट करो तो किस स्टेप से रिपीट करना है या कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है। From third last, यहां पर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है a बार इंटू ए जीरो, ए बार बी बार ये लिखा मैंने, फिर b इंटू ए बी, फिर b इंटू बी बार जीरो, तो ये जस्ट मल्टीप्लाई किया हो दो ब्रैकेट्स को, उसके बाद फिर ए बी इंटू ए बार बी बार, तो a इंटू ए बार क्या होता है जीरो, पहली क्लास से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ए बार बी बार इंटू ए बी क्या हो गया जीरो, फिर ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी क्या होता है ए बी, ये भी पहली क्लास से स्टडी कर रहे हैं कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में रिपीट हो ए इंटू ए होता है, तो ए बी इंटू ए बी क्या होगा ए बी, उसके बाद बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दिए, फिर फर्स्ट के टू टर्म से ए कॉमन लिया, ये भी पहली क्लास से स्टडी कर रहे हैं कि बी प्लस बी बार क्या होता है वन, तो क्या बचा हमारा ए प्लस ए बार बी। उसके बाद ट्रांसपोजिशन, ये भी पहली क्लास से स्टडी कर रहे हैं
कि अगर 1 प्लस 2 का फॉर्म हो तो 1 प्लस सेकेंड इंटू 1 प्लस थर्ड, तो a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, आंसर क्या हो गया a प्लस बी। ठीक है, क्लियर है सबको? अब चलो, जस्ट मैं रिवीजन के लिए ही क्वेश्चन लिया था ताकि पहली क्लास की सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाए। क्लियर? नाउ यहां पर जैसा मैं आपको बोल रहा था अभी कि काफी लेंथी क्वेश्चन था ये, तो हो सकता है एग्जाम में होता क्या है, बेसिकली हमारे दिमाग में पहले बात तो तुरंत तुरंत चीजें क्लिक नहीं करती हैं, एग्जाम में प्रेशर इतना होता है। उसके बाद कई बार हम जब लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बीच के कोई इंटरमीडिएट स्टेप रॉन्ग भी कर जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी स्टेप रॉन्ग हो गया बीच का तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या इसका कोई और तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो यहां पर आप एक तरीका देखना 90% काम कर जाता है। ठीक है, देखो यहां पर ये जो y है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ दो वेरिएबल a और b, तीसरा कोई वेरिएबल नहीं है। जो आपका आउटपुट y है सिर्फ दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दिया होता और आपको चार ऑप्शन लिखे होते, जैसे पहला लिखा होता a प्लस बी, दूसरा लिखा होता a प्लस बी बार, तीसरा लिखा होता a बार प्लस बी, और चौथा लिखा होता a बार प्लस बी बार। रैंडम कोई भी चार ऑप्शन मैं ले लिए, मान लो चार ऑप्शन लिखे होते और एग्जाम में आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना होता। तो चूंकि सिर्फ दो ही इनपुट वेरिएबल हैं a और b, तो आप क्या कर सकते हो, a और b चूंकि दो इनपुट वेरिएबल हैं, दो इनपुट वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन होते हैं टोटल? चार, 0001 1011। ठीक है, फिर क्या करो, आप एक कॉलम बनाओ जो आपको इक्वेशन दिया है y उसकी, ठीक है, और बाकी की चार कॉलम बनाओ चारों ऑप्शन की। ठीक है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर। ठीक है, अच्छे समझना है इसको। तो ये काम करने के लिए भले ही हम क्लास में बहुत स्लो कर रहे हैं क्योंकि हम पहली बार समझ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी फायदा है। तो अब अगर आप देखो 0 0, ठीक है, तो ए एक्सोर बी एक्सोर ए बी, वाई कितना होगा, ए और बी दोनों 0 0 है तो ए बी भी क्या होगा 0, तो 0 एक्सोर 0 क्या होता है 0। जो आंसर आया उसको थर्ड वाले के साथ करो, 0 एक्सोर 0, फिर से आंसर क्या आ जाएगा 0। तो y कितना आया 0 आया 0 0 पर। अब चारों ऑप्शन को चेक कर लो, जो चारों ऑप्शन मान लो ये चारों दिए हुए हैं, तो 0 0 पहला आंसर क्या आएगा 0, a प्लस बी बार मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1, a बार प्लस बी क्योंकि 0 का बार 1, कोई भी एक 1 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1, और फिर से अगेन a बार प्लस बी बार। तो ए बी की वैल्यू 0 0 पुट करने पर आप देख सकते हो कि जो आपका y था वो आपका 0 आया, और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0 आया है, बाकी तीनों ऑप्शन में आंसर 1 आ गया। यहां पर चलो मैंने ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम किए थे कि एक ही बार में आपका आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में भी मैक्सिमम एक बार या मैक्सिमम दो बार में बाकी के जो गलत आंसर होंगे ना वो एलिमिनेट होते चले जाएंगे। जो सही आंसर होगा आपका, जो सही ऑप्शन होगा, वही आपका वाई के साथ लगातार मैच करेगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपका एक या दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो 90% जगह ये वर्क कर जाता है ये तरीका भी। क्लियर है अच्छे से? इवन जब तीन वेरिएबल भी हो तो आप 8 कॉम्बिनेशन लिख दो, जो आपको वाई इक्वेशन दिया उसको लिखो और बाकी चारों ऑप्शन को लिखो, तो आपको पूरे 8 का 8 बार नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक या दो बार, तीन बार परफॉर्म करोगे ना तो बाकी के तीन ऑप्शन रॉन्ग वाले हट जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा डाउट है, किस पॉइंट पे डाउट है इसमें? इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ए और बी दो वेरिएबल थे, चार ऑप्शन लिखा मैं 0 0 0 1 1 0 1 1, y में पुट किया 0 0 पर ही हमने सिर्फ चेक किया, बाकी कहीं चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और चारों ऑप्शन में 0 0 पुट करके देख लिया, तो सिर्फ ऑप्शन वन ही ऐसा है जो y के साथ सेम आंसर दिया, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर में सेम आंसर नहीं आया, तो एक ही स्टेप में हमारा काम हो गया। ठीक है, अब क्लियर है सबको? ओके,
तो अब यहां पर मैं लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक स्टॉप कर रहा हूं. नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है, अब ये काफी लेंथी टॉपिक होने वाला है. बेसिकली आपको डिजिटल लॉजिक में दो तरह के सर्किट स्टडी करने होते हैं, एक होता है हमारा कॉम्बिनेशनल और एक होता है सिक्वेंशियल. ठीक है, तो पहले ब्रीफ में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशनल से स्टार्ट लेंगे. कॉम्बिनेशनल क्या होता है आपका, कि जो आपका आउटपुट है ना सर्किट का, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर, एक तरह से कह सकते हो इनपुट पर. और सिक्वेंशियल के केस में जो आपका आउटपुट है वो आपका इनपुट पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ में आपका प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, जो पुराना आउटपुट होगा उस पर भी डिपेंड करेगा. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टडी करेंगे. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में बस एक ही पॉइंट माइंड में रखना है कि आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट. क्लियर नाउ? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है, बहुत टाइप के सर्किट हमें पढ़ने हैं, लाइक कंपैरेटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, बहुत सारे सर्किट्स हैं. तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. तो पहला जो सर्किट मैं ले रहा हूं यहां पर वो है कंपैरेटर. कंपैरेटर जो है उसका काम क्या है, कंपेयर करना. ठीक है, कंपैरेटर का जो काम है वो है कंपेयर करना. तो यहां पर मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद मेन थ्योरी की तरफ मूव करूंगा. जैसे कि सपोज करो वन बिट कंपैरेटर. वन बिट का मतलब क्या है, वन बिट का मतलब यह है कि दो नंबर है. कंपैरेटर का मतलब क्या है पहले यह समझ लेते हैं. दो नंबर है ए और बी. ठीक है, जब आप दो नंबर इस कंपैरेटर सर्किट में लगाओगे तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, या तो यह बताएगा कि ए और बी इक्वल है, या तो बताएगा ए ग्रेटर देन बी है, या बताएगा ए लेस देन बी है. तो थ्री पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं किसी भी कंपैरेटर के. वन बिट कंपैरेटर का क्या मीनिंग है, कि ए और बी दोनों सिर्फ एक एक बिट के हैं. ठीक है, तो ए और बी दोनों सिर्फ सिंगल सिंगल बिट के हैं, मतलब ए या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, बी भी या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है. ठीक है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे. दोनों हो सकता है जीरो जीरो हो, एक जीरो हो दूसरा वन हो, एक वन हो दूसरा जीरो हो, और दोनों क्या हो आपके वन वन हो. तो कंपैरेटर जो होगा वो आपको थ्री पॉसिबल इनपुट्स सॉरी आउटपुट्स देगा. एक आउटपुट देगा ए ग्रेटर देन बी, तो आप चेक कर लो चार कॉम्बिनेशन देख के कि कहां पर ए बड़ा है बी से. तो देख सकते हो वन जीरो में, वन जीरो में ए वन है बी जीरो है, तो जहां बड़ा होगा ना वहां खाली वन लिख दो, बाकी सब जगह क्या लिख दोगे जीरो. ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं एसओपी फॉर्म में आंसर लिखने वाला हूं. ठीक है, तो अब देखो ए इक्वल टू बी. इक्वल का मतलब क्या है, जहां पर ए और बी दोनों इक्वल हो. तो देखो जीरो 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 ए और बी इक्वल है, वन वन ए और बी इक्वल है, तो जहां जहां इक्वल आ रहे हैं वहां वहां वन लिख दो, बाकी सब जगह जीरो लिख दो. लास्ट है आपका ए लेस देन बी, तो देख लो कहां ए लेस देन बी है, ये देखो जीरो वन में बी वन है ए जीरो है, तो वहां पर वन लिख दो. ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी का जो इक्वेशन आएगा आप देख सकते हो एसओपी फॉर्म में कितना आ रहा है, वन जीरो पर वन है, मतलब ए बी बार. ए इक्वल टू बी का जो इक्वेशन आ रहा है, ए इक्वल टू बी देख लो जीरो जीरो पर वन, वन वन पर वन, वन डबल जीरो वन. याद करो लास्ट क्लास पे हमने एक गेट पढ़ा था एक्स नॉर गेट, जिसका मैंने आपको नाम बताया था गेट ऑफ इक्विवेलेंस या इक्वेलिटी डिटेक्टर. क्यों, क्योंकि ये सेम इनपुट पर वन देता है, बस वही तो है ये. तो क्या हो जाएगा आपका ए एक्स नॉर बी, देन ए लेस देन बी. ए लेस देन बी मीन्स देख सकते हो आप जीरो वन पर वन है, तो कितना हो जाएगा ए बार बी. क्लियर यहां तक अच्छे से? तो ये हमारा होता है वन बिट कंपैरेटर. ठीक है, बट ये मेन थ्योरी नहीं है, अब इसके आगे हमें पढ़ना है. लेकिन पहले वन बिट कंपैरेटर सबको क्लियर है अच्छे से, जब ए और बी दोनों वन वन बिट के होंगे तो. ठीक है ना, अब यहां पर देखो आप. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ए और बी अगर दोनों दो दो बिट के हुए, ठीक है, मतलब ए जो है वो ये हुआ ए वन ए नॉट,
बी बी जो है वो हुआ बी वन बी नॉट। तो अगर ए और बी दोनों दो दो बिट के हुए तो मुझे बताओ कितने कॉम्बिनेशन टोटल होंगे। जैसे जब ए और बी दोनों वन वन बिट के थे तो टोटल हमने चार कॉम्बिनेशन लिखे, उसके हिसाब से आउटपुट लिखे। तो जब ए और बी दोनों दो दो बिट के होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। जब दोनों दो दो बिट के होंगे तो ठीक है, करेक्ट 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है ना, ए भी दो बिट का, बी भी दो बिट का, तो टोटल चार बिट हो गई, तो 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशन। जैसे यहां पर दोनों एक एक बिट के थे तो दो बिट हो गई टोटल, तो चार कॉम्बिनेशन थे, वैसे ही 16 हो जाएंगे। ठीक है, गुड, 16 कॉम्बिनेशन होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ए और बी दोनों तीन तीन बिट के हुए तो टोटल कितने हो जाएंगे कॉम्बिनेशन, तीन तीन बिट में 16 नहीं होंगे। अगर दोनों तीन तीन बिट के हुए तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 64। ठीक है, 2 की पावर 6। और एट लास्ट अगर दोनों चार चार बिट के हुए, बस लास्ट क्वेश्चन है, अगर दोनों चार चार बिट के हुए तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 2 की पावर 8, दैट इज 256। अब इस बात को समझो, यहां पर अगर मान लो 256 कॉम्बिनेशन दोनों अगर चार चार बिट के नंबर आपको दे दिए जाएं, और 4 बिट के नंबर बहुत इजी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो 4 बिट के नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मान लो अगर आपको ए और बी दोनों चार चार बिट का दे दिया और बोला कंपरेटर सर्किट डिजाइन करो, या ए ग्रेटर देन बी का इक्वेशन लिखो, चार ऑप्शन दे दिया आपको उसके लिए, या ए इक्वल टू बी का इक्वेशन लिखो, तो क्या पहले आप 256 कॉम्बिनेशन पूरे लिखोगे, उसके बाद फिर क्या पहचानोगे कि कब ए बड़ा है बी से, कब छोटा है, कब इक्वल है? इसी में आपके पूरे 3 आवर्स निकल जाएंगे, शायद उससे भी कहीं ज्यादा टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे ट्रुथ टेबल वाइज सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, एक प्रोसेस बताऊंगा, जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर ऑफ बिट्स के लिए कंपैरेटर डिजाइन कर पाओगे। तो मैं यहां पर 4 बिट का एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे ए और बी दोनों 4 बिट्स के हैं, तो मैं यहां पर 4 बिट कंपैरेटर आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 1 बिट कंपैरेटर के लिए जो रिजल्ट्स है मेरे पास, उन्हें मैं एज इट इज यहां पर लिख रहा हूं। ये किसके लिए था, 1 बिट कंपैरेटर के लिए। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझना, नो डाउट हम डिजिटल पढ़ रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में तो हम डेसिमल नंबर से ही डील करते हैं। ठीक है ना, जब से हम स्कूलिंग अपनी स्टार्ट किए होंगे तब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है वो। तो यहां पर मैं मान लो 2 एग्जांपल ले रहा हूं, 8 7 5 4 7 6 3 2। मान लो ए और बी दोनों चार चार डिजिट, यहां बिट्स नहीं बोलेंगे, डिजिट्स के नंबर हैं। तो मुझे बताओ अब नॉर्मली अपनी रियल लाइफ में जब आपको देखना होता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, मैं यहां पर ए ग्रेटर देन बी के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो ए बड़ा है कि बी बड़ा है अगर आपको देखना है तो आप सबसे पहले किसको देखते हो, कौन सी ऐसी चीज देखोगे जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ए बड़ा है, और उसके बाद कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो कौन सी चीज होती है, सबसे पहले आप क्या देखोगे दोनों नंबर में जिससे आपको पता चल जाएगा कि ए बड़ा है, सबसे पहले आप देखोगे एमएसबी। ठीक है ना, एमएसबी देखोगे, तो एमएसबी देखोगे तो अगर 8 बड़ा है 7 से जो कि है, तो एमएसबी देखोगे, एलएसबी देख के आप कैसे बता लोगे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, एमएसबी जब देखोगे आप, ठीक है इट्स ओके, एमएसबी आप अगर देखोगे तो एमएसबी क्या है यहां पर A3, तो अगर A3 बड़ा है B3 से, ठीक है, अगर A3 बड़ा है B3 से तो और कुछ देखने की जरूरत है क्या हमें, नहीं, तब आप 100% श्योर होगे कि A बड़ा है B से। या अब अगर मान लो दोनों अगर 8 8 है तो फिर अगला कौन सा देखोगे आप,
अगर दोनों की एमएसबी इक्वल है तो अगला देखोगे आप, ठीक है, तो अगला देखोगे मतलब, और नेक्स्ट कब देखोगे, जब ए थ्री बड़ा इक्वल हो बी थ्री के और ए टू क्या हो बड़ा हो बी टू से, तब भी आप बोल सकते हो ना ए थ्री इक्वल हो बी थ्री के लेकिन सेवन बड़ा है सिक्स से, मतलब ए टू बड़ा है बी टू से। अब मान लो अगर ये सेवन सेवन भी इक्वल हो गए तो अब अगला किसको देखोगे, ए वन को, तो ए वन को कब चेक करोगे, जब ए थ्री इक्वल हो बी थ्री के, ए टू इक्वल हो बी टू के, तब आप चेक करोगे ए वन बड़ा है बी वन से। अब मान लो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो फिर किसको चेक करोगे, ए जीरो बी जीरो को, तो ए थ्री इक्वल है बी थ्री, ए टू इक्वल है बी टू, ए वन इक्वल है बी वन एंड ए जीरो बड़ा है बी जीरो से, तब भी ए बड़ा होगा बी से। चारों कंडीशन क्लियर है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि क्या इन चारों में से कोई भी दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है क्या? ये जो चार कंडीशन हमने बोर्ड में लिखी है ए ग्रेटर देन बी की, क्या दो नंबर्स के लिए चारों में से दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा आप ही नंबर जनरेट करके कोई भी मुझे बता दो जिसपे दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। डेसिमल में ही जनरेट कर दो, बिट्स में छोड़ो, डेसिमल में ही जनरेट कर दो जिसमें दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। तो कभी भी दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एक टाइम पे कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सिर्फ और सिर्फ एक। इसी कारण देखो मैंने क्या लगाया, और, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है दो पर्टिकुलर नंबर के लिए। तो अब मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में थ्योरी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाया था, तो मैंने क्या बोला था, जब अल्टरनेटिव्स हो, जब और हो तो हमेशा क्या यूज करो, प्लस, और जब कंपल्शन हो एंड हो तो हमेशा क्या यूज करो, मल्टीप्लीकेशन, याद है? तो यहां पर अब अगर आपको ए ग्रेटर देन बी के लिए लिखना है तो आप पहली कंडीशन को ध्यान से देखो, मुझे बताओ ए थ्री और बी थ्री, सिर्फ ए थ्री और सिर्फ बी थ्री कितनी कितनी बिट्स हैं? ए थ्री, सिर्फ ए थ्री के बारे में बताओ, ए थ्री कितनी बिट है, कमेंट सेक्शन में लिखो ए थ्री कितनी बिट है। ए थ्री जो है वो कितनी बिट है? वन बिट, ठीक है, गुड। ए थ्री जो है वन बिट है, ठीक है। तो आप देखो वन बिट के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंपैरेटर, मतलब जब ए बड़ा हो बी से वन बिट में तो क्या लिखते हो, ए बी बार। तो सिंपली जब ए थ्री बड़ा है बी थ्री से तो आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे ए थ्री बी थ्री का बार, ठीक है। तो यहां पर अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, अब मैं अपनी थ्योरी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी, तो ए थ्री बी थ्री का बार, फिर क्या लगा है? देखो और मतलब प्लस, अल्टरनेटिव मतलब प्लस, ए थ्री इक्वल टू बी थ्री, वो क्या होता है, देखो लिखा हुआ है यहां पर ए एक्स नॉर बी, तो ए एक्स नॉर बी, फिर क्या लगा है? देखो एंड, एंड मतलब क्या होता है, कंपल्शन मल्टीप्लीकेशन, ए टू बड़ा है बी टू से मतलब ए टू बी टू का बार, फिर क्या लिखा है देखो और मतलब प्लस, ए थ्री एक्स नॉर बी थ्री, फिर एंड लिखा है मल्टीप्लीकेशन, ए टू एक्स नॉर बी टू, फिर से एंड लिखा है ए वन बी वन का बार, फिर क्या लिखा है और मतलब प्लस, ए थ्री एक्स नॉर बी थ्री मल्टीप्लीकेशन ए टू एक्स नॉर बी टू ए वन एक्स नॉर बी वन, और फिर लास्ट में क्या लिखा है, ए नॉट ग्रेटर देन बी नॉट, तो क्या लिखोगे, ए नॉट बी नॉट का बार। तो ये आपका इक्वेशन बन गया ए ग्रेटर देन बी का। अच्छे से क्लियर है? देख लो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जो ये थ्योरी लिखी थी
इस थ्योरी को कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में, और जिन्होंने अच्छे से समझ लिया है वो एक बात अब रियलाइज कर सकते हो कि चाहे आप 4 बिट का क्वेश्चन हो, चाहे 10 बिट का हो, चाहे 2 बिट का हो, चाहे 3 बिट का हो, अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया है तो आप कोई भी बिट का कंपैरेटर आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, देख लो अच्छे से इसको, क्लियर है सबको? अब ए ग्रेटर देन बी कर लेने के बाद मुझे बताओ ए इक्वल टू बी कब होगा? ए इक्वल टू बी कब होगा? ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो, ए और बी दो नंबर है चार चार बिट के, तो ए इक्वल टू बी कब होगा? उसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग? ए इक्वल टू बी तब होगा, आप खुद समझ सकते हो, कि जब चारों की चारों बिट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, और ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, ये क्या है, कंपल्शन है। जब ए थ्री इक्वल होगा बी थ्री के, एंड कंपल्सरी है दोनों नंबर के इक्वल होने के लिए, ए टू इक्वल हो बी टू के, एंड ए वन इक्वल हो बी वन के, एंड ए जीरो इक्वल हो बी जीरो के, तभी आपका ए इक्वल बी होगा। तो यहां पर अगर मैं अब ए इक्वल टू बी के लिए आंसर लिख दूं तो क्या लिखेंगे? ए थ्री एक्सनॉर बी थ्री, क्योंकि इक्वल के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सनॉर। कंपल्सरी मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए टू एक्सनॉर बी टू, ए वन एक्सनॉर बी वन, ए जीरो एक्सनॉर बी जीरो। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो ए इक्वल टू बी तभी हो सकता है जब चारों के चारों क्या हो, इक्वल हो। सबको अच्छे से क्लियर हो गया है पॉइंट? नाउ अगर मैं बात करूं ए लेस देन बी की, जो आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ ही चुके होंगे। ए लेस देन बी का मतलब क्या होगा? जस्ट इस वाले इक्वेशन में ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए। आपने ए ग्रेटर देन बी ऑलरेडी बना रखा है, अब आपको a लेस देन b करना है, या सिंपल b ग्रेटर देन a करना है। ठीक है ना, तो b की जगह a लिखो, a की जगह b लिखो, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने की कोई नीड नहीं है। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको कंपैरेटर का, कि किस तरीके से हम किसी भी बिट्स का कंपैरेटर डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट कंपैरेटर। नाउ सेकेंड लिखो आप लोग, सेकेंड है हाफ एडर। हाफ एडर, हाफ एडर, ए और बी दो इनपुट होते हैं, सम और कैरी दो आउटपुट होते हैं, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। ठीक है, हाफ एडर मीन्स टू इनपुट्स होते हैं आपके ए और बी, और दो आपके आउटपुट्स होते हैं सम और कैरी। ठीक है, तो जीरो जीरो में सम क्या होता है? जीरो। कैरी क्या होता है? जीरो। जीरो वन में सम वन कैरी जीरो, वन जीरो में सम वन कैरी जीरो, वन वन में बताओ सम क्या आएगा कैरी क्या आएगा, क्योंकि वन वन में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो। वन वन में क्या होगा? कैरी और सम और कैरी, सम बताओ फिर कैरी बताओ। ओके, सम जीरो कैरी वन, और कोई? ठीक है, करेक्ट है, जीरो वन। ठीक है, ठीक है, सबको बताया, दैट मीन्स सम जीरो कैरी वन। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि क्या ये हम लोग को रटा हुआ है कि इसका रीजन पता है कि सम जीरो कैरी वन कैसे होता है? किसी को पता है रीजन इसका क्या होता है? तो देखो यहां पर ध्यान से, जब आप वन और वन को ऐड करते हो, ठीक है, तो जितने बिट का इनपुट होता है ना हमारा कंप्यूटर, उतने बिट का सम या डिफरेंस देता है। ठीक है, तो यहां पर इनपुट्स कितने बिट के हैं आपके? ठीक है, एक स्टूडेंट को पता है ऑलरेडी इनपुट कितने बिट के हैं आपके, एक एक बिट का है। ठीक है, वन और वन डिजिटल में कितना होता है? टू होता है, और टू मतलब क्या होता है डिजिटल में? वन जीरो। वन और वन डिजिटल में होता है वन जीरो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे आंसर? वन जीरो लिखोगे दोनों को ऐड करने के बाद। तो हमारा कंप्यूटर क्या देखेगा? चूंकि एक एक बिट का इनपुट था इसलिए वो सम भी एक बिट का देखेगा, मतलब जीरो। तो जीरो को सम ले लेगा और वन को क्या ले लेगा? कैरी। ठीक है, तो गुड, पता था, दो तीन लोगों को पता था आंसर, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया सम और कैरी।
नाउ अब अगर आप सम का इक्वेशन देखते हो, सम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी आप देख सकते हो 0110 कैरी, कैरी का इक्वेशन भी देख सकते हो 0001 मीन्स ए इंटू बी, ठीक है। तो सम और कैरी ए एक्स और बी एंड ए बी। नाउ यहां पर अब अगर आप समझोगे तो हाफ एडर सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है हम लोगों को, हाफ एडर में अब हम लोगों को क्या करना है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि रियलाइज हाफ एडर यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट, रियलाइज हाफ एडर यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। तो हमने लास्ट क्लास में नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट पढ़ा था, तो आपको रियलाइज करना है हाफ एडर को टू इनपुट नैंड गेट से, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद काफी इजी लगने लगेगा आपको। देखो जब भी आप बात करोगे ना एडर और सब्ट्रैक्टर की, लाइक हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, तो जब भी आपको नैंड या नॉर किसी से भी रियलाइज करने बोलेगा तो आप हमेशा माइंड में ये रखना कि आपको सिर्फ सम या डिफरेंस पे फोकस करना है, एडर में सम में, सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस में। सोचो कि कैरी या बोरो है ही नहीं, मतलब कैरी या बोरो को देखो ही मत, सबसे पहले आप सम या डिफरेंस पे टोटली फोकस रखो। तो यहां पर जो सम है वो कितना है, ए एक्स और बी, टोटल फोकस आपका ए एक्स और बी पे होना चाहिए, ए बी की तरफ अभी बिल्कुल ध्यान मत दो। तो ए एक्स और बी को हमें टू इनपुट नैंड गेट से रियलाइज करना आता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था और आज की क्लास में भी यहां बनाया था डायग्राम। तो कितने लगते हैं हमारे टोटल, 4, ठीक है। अगर आप लास्ट क्लास अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार, अगर आपने कोई नोट किया होगा तो आप चेक कर सकते हो पीछे। तो कितना हो जाएगा हमारा टू इनपुट नैंड गेट के थ्रू एक्सोर गेट, टोटल 4 नैंड गेट आपके लगे थे और ये ऐसा कुछ डायग्राम था आपका। ठीक है, तो ये डायग्राम ना बहुत बार रिपीट होने वाला है, अभी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है टू इनपुट नैंड गेट के थ्रू ए एक्स और बी। अब देखो जैसा मैंने बोला कि आप खाली सम या डिफरेंस पे फोकस रखो, तो अभी फिलहाल एडर पढ़ रहे हैं तो हमने खाली सम पर फोकस रखा है। अब होगा क्या ना, जब आपने सम का डायग्राम बना लिया तो बीच के जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप है ना उनके इक्वेशन लिखते जाओ, ठीक है, मैंने यहां लिख दिए इसलिए। अब क्या होगा देखना, बीच के ही किसी इंटरमीडिएट स्टेप से आपको कोई ना कोई ऐसा मिलता जुलता टर्म मिल जाएगा कैरी जैसा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली मिल जाएगा, हो सकता है एग्जैक्टली भी मिल जाए लेकिन मिलता जुलता तो 100% मिलेगा, तो बीच के ही किसी टर्म से मिलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो बीच के तीन टर्म है, एक है एबी का बार, एक है ए इंटू एबी का बार का बार, एक है बी इंटू एबी के बार का बार। तो आप क्लियरली देख सकते हो कैरी एबी है और ये एबी का जो बार है वो काफी मिलता जुलता है एबी से। तो अगर आप यहां पर एबी के बार का कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट लेना हमें आता है बाय यूजिंग नैंड गेट, नॉट गेट बनाना आता है हमें बाय यूजिंग नैंड गेट। तो एबी के बार से हमने नॉट गेट लगा के क्या बना लिया, एबी, और एबी क्या है हमारी कैरी, क्लियर है अच्छे से सबको। तो बीच के ही किसी टर्म से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स और बी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास में, वो हमने टू इनपुट नैंड गेट से बना लिया, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेप से ही हमें ए बी भी मिल गया। तो टोटल कितने लगे, 5 देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 टू इनपुट नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको हाफ एडर को रियलाइज करना है, क्लियर है अच्छे से। सबसे हो जाएगा यहां तक, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, अब फुल एडर, फुल एडर, नेक्स्ट हेडिंग डालो फुल एडर। फुल एडर में आपके 3 इनपुट्स होते हैं,
ठीक है, फुल एडर में हमारे पास थ्री इनपुट्स होते हैं और सम और कैरी होता है। देखो जब फुल एडर का आपको आउटपुट लिखना होता है तो आप पहले दो का करो, दो का जो आंसर आ रहा है उसको थर्ड वाले के साथ, तो सम का आंसर, सम और कैरी आप लोग दोनों लिखो और सम का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ एक सीक्वेंस में। लाइक सपोज करो अगर 0 1 1 0 1 0 आ रहा है तो ऐसा लिख दो सीक्वेंस में, सम और कैरी दोनों का आंसर आप लोग ट्राई करो। कुछ नहीं करना आपको, हाफ एडर का ही यूज करना है, पहले किसी दो का करो उसके आंसर को थर्ड के साथ, ठीक है। 0 1 1 0 1 0 0 1 ठीक है, तो देख लेते हैं सम और कैरी 0 0 आएगी, फिर 1 0, फिर से 1 0, फिर देखो 2 1 है, 2 1 में आपको आंसर पता ही हाफ एडर से 0 1, फिर 1 0 0 1 0 1 और लास्ट 1 1 1। 1 1 1 में कई बार कुछ लोगों को डाउट हो जाता है, ऑल दो कमेंट सेक्शन में जो आपने आंसर लिखे बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल मैं एक बार करके बता देता हूं 1 1 1। देखो जब 1 1 1 करोगे ना तो पहले 1 1 को करोगे, 1 1 का आंसर क्या होता है, सम 0 कैरी 1। अब जो मैंने आपको बोला ना कि 2 का जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले के साथ करना, तो मेरा मतलब है यहां पर 2 के सम वाले आंसर को थर्ड वाले के साथ करना है। जैसे जब आपने 1 1 किया तो सम 0 आया, कैरी 1 आया, जो कैरी आ गई ना उसको एज इट इज लिख दो आप, और फिर जो सम आया है 0 उसको थर्ड वाले के साथ करो, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। उसके बाद अब यहां पर अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो मुझे बताओ सम का इक्वेशन क्या होगा, जितनी जल्दी बोल पाओ सम का इक्वेशन, सम का इक्वेशन क्या होगा फुल एडर के, सम का इक्वेशन इसका मतलब किसी ने लास्ट क्लास को पढ़ा नहीं है घर में, अदरवाइज ठीक है करेक्ट, एक आंसर आ गया ए एक्सोर बी एक्सोर सी। लास्ट क्लास पे आपको बताया था मैं और बोला था याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला था कि जब भी 3 वेरिएबल हो और 1 2 4 7 1247 1247 पे अगर आपको क्या मिले 1 1 1 1 तो क्या होगा आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी, देख सकते हो 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है और 7 पे 1 है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है ये 1247 पे, ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए, इसको आपको याद ही रखना है ए एक्सोर बी एक्सोर सी। नाउ कैरी की बात करते हैं, कैरी देखो कहां कहां मिल रही है, 3 पे 5 पे 6 पे 7 पे, ऐसा कुछ मैंने आपको याद रखने नहीं बोला है, आपको हर चीज याद भी नहीं रखनी है, इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 3 पे 1 है तो क्या हो जाएगा 0 1 1 पे 1 मतलब ए बार बी सी, फिर 5 पे 1 0 1 पे मतलब कितना हो जाएगा आपका ए बी बार सी, फिर 6 पे 1 1 0 दैट मीन्स ए बी सी बार, फिर लास्ट 7 पे तो कितना हो जाएगा ए बी सी। अगेन जिसने फिर से लास्ट क्लास स्टडी की है वो डायरेक्ट बताओ क्या ऐसा इक्वेशन हमने कभी पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो इसका आंसर क्या था, किसी को याद है इसका आंसर, याद क्या मींस प्रोसेस पता है तो आंसर तो जस्ट 1 स्टेप में था, ये आप फाइनल आंसर बोल रहे हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में इस इक्वेशन का आंसर वो क्या था, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है कैरी का नो डाउट, ये आंसर भी मैं लिखूंगा, लेकिन इसके अलावा एक और आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, वो क्या था आंसर देख लो, ये वही इक्वेशन है जिसमें ए बी सी को अगर इस टर्म के साथ कॉमन लो तो क्या आएगा ए बी, अगर इस टर्म के साथ कॉमन लो तो क्या आएगा ए सी, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म को कॉमन लो तो क्या आएगा बी सी,
तो यहां पर ए बी सी वो टर्म है जिसको बाकी बचे तीनों टर्म में किसी के साथ ही कॉमन लो तो दो ही वेरिएबल कॉमन निकलेंगे। तो यहां पर आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक ऐसा टर्म आपको मिले जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे तो उस टर्म को हमेशा क्या कर दो, रिपीट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ए बी सी और ए बी सी को दो बार रिपीट करते हो तो आंसर क्या आया था हम लोगों का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को मैं कि ए बी सी ऐसा पर्टिकुलर टर्म है जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे पहले टर्म और चौथे टर्म से कॉमन निकालो, चाहे दूसरे या चौथे से, चाहे तीसरे या चौथे से, दो दो वेरिएबल ही कॉमन निकलेंगे। तो ए बी सी को अगर आप रिपीट कर देते हो दो बार तो आपका आंसर सीधा सिंगल स्टेप में आ जाएगा। तो कैरी का एक इक्वेशन ये बहुत फेमस है। इसके अलावा जो कैरी का एक और इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हर बुक में लिखा होता है, तो उसको भी आपको माइंड में रखना है। वो क्या है, देखो अगर मैं लास्ट के दो टर्म से, लास्ट के दो टर्म से ए बी कॉमन ले लूं तो सी प्लस सी बार क्या हो जाएगा, वन। और अगर फर्स्ट के दो टर्म से, फर्स्ट के दो टर्म से अगर सी कॉमन ले लूं, देख सकते हो पहले दो टर्म से सी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि क्या होता है, ए एक्स और बी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कैरी के हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ए बी प्लस ए एक्स और बी इंटू सी, ये आपको बहुत सारी बुक्स में दिख जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेस में, तो ये भी आपको माइंड में रखना है कैरी का इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे सम और कैरी के इक्वेशन आ गए। नाउ अब अगेन मेरा क्वेश्चन है वापस से कि रियलाइज दिस फुल एडर यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। हमें इस फुल एडर को टू इनपुट नैंड गेट से रियलाइज करना है, क्लियर। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जब भी एडर या सबट्रैक्टर को रियलाइज करो फोकस ऑलवेज सम या डिफरेंस पे रखो। तो यहां पर हमारा जो सम है वो कितना है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। यहां पर समझना वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर ए एक्सोर बी एक्सोर सी करना है तो पहले दो को कर लो, जो आंसर आया उसको थर्ड वाले के साथ कर लो। मीन्स पहले ए एक्सोर बी कर लो, उसके बाद ए एक्सोर बी को एक्स मान लो तो एक्स एक्सोर सी कर लो। ठीक है, तो टू इनपुट नैंड गेट से बनाना है तो पहले क्या कर लो, ए एक्सोर बी। ठीक है, तो सबसे पहले कर लो ए एक्सोर बी, उसके बाद जो आंसर आ रहा है सेम फिगर को, सेम फिगर को दोबारा रिपीट कर दो क्योंकि अब आपको फिर से एक्सोर करना है, ए एक्सोर बी का सी के साथ करना है। ठीक है, मुझे कैरी का भी चाहिए, सम का बिल्कुल सही है, एट गेट्स लगेंगे क्योंकि आपको दो बार रिपीट ही करना है, वो बिल्कुल सही है। कैरी मिलाकर टोटल फुल एडर के लिए कितने लगेंगे वो कोई मेरे से पहले कर सकता है तो आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में। यहां पर बिल्कुल सही है, नाइन लगेंगे टोटल, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखो मैंने पहले ए एक्स और बी किया जो हम लगातार लास्ट क्लास से करते आ रहे हैं, फिर फिगर को दोबारा रिपीट कर दिया तो सी के साथ ए एक्सोर बी का एक्सोर किया तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको ना इक्वेशन की लेंथ देख के घबराना नहीं है। जैसा मैंने आपको नैंड गेट का काम सिखाया हुआ है कि नैंड गेट का काम होता है दो इनपुट को मल्टीप्लाई करके होल बार करना, तो जैसे कि यहां पर अगर आप चेक करोगे इस नैंड गेट के लिए एक इनपुट क्या था, ए एक्सोर बी इंटू सी का बार, और एक इनपुट क्या था, ए एक्सोर बी। तो हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर होल बार किया, तो उसको देख के घबराना नहीं है कि इतने बड़े बड़े इक्वेशन आ रहे हैं हम कैसे याद रखेंगे, याद रखना ही नहीं है उसको। ठीक है ना। नाउ यहां पर जो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है नाइन, तो एट तो टोटल लग चुके हैं, सम तो रिलाइज हो गया है, अब कैरी कैसे रिलाइज होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बीच के ही किसी इंटरमीडिएट स्टेप से आपको कैरी का टर्म मिल जाएगा। तो अगर आप कैरी का इक्वेशन यहां लिख लो फिर से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बोला है ए बी
ax और b into c वाला, इसको अगर आप देखोगे ना तो मिलते जुलते दो टर्म आपको दिख रहे हैं, देख लो ए बी का होल बार एक दिख रहा है और एक ए एक्स और बी इंटू सी का बार दिख रहा है, देखो दोनों टर्म मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अब आपको यह सोचना है कि जो दोनों टर्म हैं ए बी और ए एक्स और बी इंटू सी, दोनों ही टर्म में फिगर में बार है, पहली बात तो आपको बार हटाना पड़ेगा, दूसरा दोनों को प्लस के फॉर्म में लेके आना है, तो कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बार भी हट जाए और प्लस के फॉर्म में आ जाए, तो एक ही तरीका होता है, वो होता है नेंड। अगर आप दोनों का नेंड कर लो, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ माइंड में लाना है, अगर आप दोनों का नेंड करते हो ए बी का बार इंटू ए एक्स और बी इंटू सी का बार मींस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन का होल बार, तो जब आप डी मॉर्गन लगाओगे होल बार को ओपन करोगे तो ए बी के बार का बार ए बी प्लस ए एक्स और बी इंटू सी का बार ए एक्स और बी इंटू सी, ये आ जाएगा आपका कैरी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था 9, टोटल आपको 9 लगेंगे, 9 नैंड गेट। जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ना तो आपको फिगर को देख के घबराना है ना ही इक्वेशन की लेंथ को देख के घबराना है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये बहुत इजी चीज है, ठीक है ना। बीच के किसी टर्म से ही आपको कैरी मिल जाएगी, ए एक्स और बी कैसे बनाते हैं ये माइंड में रखो, उसके बाद जितना भी आगे रिपीट करना हो आप कर सकते हो, जैसे ए एक्स और बी, फिर ए एक्स और बी एक्स और सी के लिए हमने क्या कर दिया, जस्ट रिपीट। सबको क्लियर है यहां तक, तो आपको 9 टू इनपुट नैंड गेट लगेंगे। नाउ नेक्स्ट मेरा एक और क्वेश्चन है फुल एडर के लिए, वो ये है कि रियलाइज दिस फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स, आपको फुल एडर को रियलाइज करना है यूजिंग हाफ एडर्स, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज करो आप लैब गए, आपको फुल एडर यूज करना था, लेकिन लैब जाकर आपने क्या देखा कि बहुत सारे हाफ एडर है लेकिन एक भी फुल एडर नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस हाफ एडर्स को कनेक्ट करना है आपस में और फुल एडर बना लेना है, ठीक है। तो यहां पर हाफ एडर आपको सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंबल यूज करो, हाफ एडर के दो इनपुट्स, सम क्या आता है ए एक्स और बी, कैरी क्या आता है ए बी, लेकिन आपको एक्चुअल में सम क्या चाहिए, आपको चाहिए ए एक्स और बी एक्स और सी, और कैरी आपको चाहिए ए एक्स और बी इंटू सी प्लस ए बी, ये आपका टारगेट है। तो जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब भी आपको एडर या सब्ट्रैक्टर रिलाइज करना हो ना, पूरा फोकस सम या डिफरेंस पर रखो, चाहे किसी भी चीज से रिलाइज करना हो, यहां पर भी पूरा फोकस सम पर रखो और देखना अपने आप कैरी के टर्म्स जनरेट हो जाएंगे। तो बताओ क्या करना चाहिए, देखो आपको एक हाफ एडर से ए एक्स और बी मिल रहा है सम, तो अगर मैं एक और हाफ एडर ले लूं, एक और अगर हाफ एडर ले लूं, तो मुझे बताओ कि उस हाफ एडर सेकेंड वाले के सिर्फ सम पर ध्यान रखना, मैं वापस से बोल रहा हूं, ए एक्स और बी एक्स और सी सम आ जाए फाइनली, तो उस हाफ एडर के इनपुट मुझे क्या क्या लेने चाहिए, उस हाफ एडर के इनपुट मुझे क्या क्या लेने चाहिए सेकेंड वाले हाफ एडर के इनपुट हम क्या क्या लें जिससे हमारा जो फाइनल आंसर है सम वाला ए एक्स और बी एक्स और सी आ जाए, आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड सी, वेरी गुड। तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट हाफ एडर मतलब ए एक्स और बी, और ए क्या लेना चाहिए हमें सी, क्योंकि तभी तो, क्योंकि किसी हाफ एडर का जो सम आउटपुट होता है वो क्या होता है एक्सॉर, तो अगर आप ए एक्सॉर बी और सी लोगे तभी तो आपका क्या आएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये कितना आ गया आपका सम। बताओ सेकंड वाले की कैरी क्या आनी चाहिए, सेकंड वाले की कैरी
अगर आप इस बात को समझोगे ना, जैसा मैं बोला हूं कि इक्वेशन मत रटो, हर किसी डिवाइस को उसके काम से याद रखो। तो हाफ एडर का काम क्या होता है, सम आउटपुट में वो दोनों इनपुट का एग्जॉर दे देता है, जितने भी इनपुट रहेंगे दोनों को एग्जॉर कर देगा तो सम दे देगा। कैरी के लिए क्या करता है, जितने इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देगा, तभी तो एबी आ रहा था आंसर कैरी का हाफ एडर का। तो आपको एबी नहीं रटना है, आपको क्या याद रखना है कि जितने इनपुट रहते हैं ना कैरी में सबका मल्टीप्लीकेशन कर देता है। तो इनपुट क्या क्या है, एक है ए एक्सॉर बी और एक क्या है आपका सी है, तो क्या दे देगा कैरी में ए एक्सॉर बी इंटू सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है चीजों को। अब ए एक्सॉर बी इंटू सी आ गया, अब अगर आप देखो आपको कैरी चाहिए क्या, आपको कैरी चाहिए ए एक्सॉर बी इंटू सी प्लस ए बी चाहिए, ठीक है। कैरी के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एक हाफ एडर को समझो, एक हाफ एडर के दो इनपुट है ए और बी, तो कैरी क्या देता है वो ए बी, मतलब कैरी क्या देता है दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन। तो फिर इनपुट कुछ भी हो बस दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर इस हाफ एडर के लिए इनपुट क्या क्या है, ए एक्स और बी है और सी है, तो दोनों का क्या कर देगा मल्टीप्लीकेशन। अब क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो आपको फाइनल कैरी में दोनों का एडिशन चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना आपको, एक कैरी ए बी है और एक कैरी कितनी है आपकी ए एक्स और बी इंटू सी है, तो बस दोनों का एडिशन करना है, मतलब दोनों का और करना है। आपको पता ही है प्लस करने के लिए आप क्या कर सकते हो और। तो यहां पर अब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फुल एडर को रियलाइज करो हाफ एडर से, तो आप क्या बोलोगे, वी रिक्वायर टू हाफ एडर एंड वन और गेट, ठीक है। तो एक फुल एडर के लिए आपको दो हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए, क्लियर है अच्छे से। तो ये हम लोगों ने रियलाइज कर लिया फुल एडर को यूजिंग हाफ एडर्स। नाउ फुल एडर में अब एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है, बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट। जैसा आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब मैंने आपको नॉट गेट पढ़ाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास आई थिंक, जब मैंने नॉट गेट पढ़ाया था तो कुछ डिले वाले क्वेश्चन कराए थे, बाईस्टेबल एंड अस्टेबल वाले, ठीक है। वहां पर मैंने बोला था कि थ्रू आउट द सिलेबस में डिले वाले क्वेश्चन आपको कराते चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं फुल एडर का यूज करके एक डिले वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, आप लोग आंसर करना कितना डिले होगा या कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखो आप, ये जो दोनों सर्किट हैं आपको पता ही है मैंने कैरी के दो इक्वेशन लिखे थे, एक इक्वेशन मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी लिखा था और सम का इक्वेशन क्या था ए एक्स और बी एक्स और सी। तो ये मेरे टोटल दो सर्किट हैं और दोनों एक ही सिस्टम है, फुल एडर बेसिकली, ये फुल एडर है एक, और हर एक लॉजिक गेट का डिले जो है वो टीपीडी आपको गिवन है, जितने भी लॉजिक गेट हैं सबका डिले गिवन है टीपीडी। टीपीडी याद होगा प्रोपगेशन डिले, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रोपगेशन डिले क्या होता है, जब भी आपको इनपुट देते हो आउटपुट मिलने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। तो मुझे आपको बताना है इस फुल एडर को कंप्लीटली रियलाइज करने के लिए कंप्लीटली कितना डिले लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टीपीडी के टर्म में बताना है। जैसे हो सकता है आपका आंसर हो 10 टीपीडी, आपका आंसर हो 5 टीपीडी, कुछ भी हो आपका आंसर, आप सिर्फ मान लो टीपीडी 1 है सपोज करो, तो आप बता दो कितना टाइम लगेगा टोटल, 4, 5, 6, 2 जो भी। किसी का भी आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर आपको क्लिक कर रहा है तो आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। हर एक लॉजिक गेट का डिले 2 टीपीडी है, ठीक है। एक ने आंसर दिया है 2 टीपीडी, हर एक लॉजिक गेट का डिले टीपीडी है और एक का आंसर आया है 2 टीपीडी। और किसी का कोई आंसर है,
और कोई? ठीक है, देखो अब मैं फाइनल सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखो, आपको पता है कि अगर ऊपर वाले सर्किट को देखो तो ये जो सेकंड वाला एक्सॉर गेट है वो तब तक परफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक फर्स्ट वाला ना किया जा सके। तो टू और टू कितना हो गया? फोर। ठीक है, अब नीचे वाले फिगर में देखो तो ये जो स्टार्ट के तीन एंड गेट लगे हैं तीनों ही इंडिपेंडेंट है, किसी का भी आउटपुट किसी दूसरे के इनपुट में नहीं जा रहा, तो मतलब वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों के तीनों को आप एक साथ कर सकते हो, तीनों को अलग अलग मत कर देना ना, तीनों के तीनों को पैरेलली एक साथ कर सकते हो। तो कितना लगेगा? टीपीडी। फिर ये और गेट जो है इसको तब तक परफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक ये तीनों एंड गेट का आउटपुट ना आ जाए, तो और गेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो टीपीडी प्लस टीपीडी कितना हो गया? टू टीपीडी। तो ऊपर वाले के लिए भी टीपीडी लगा, नीचे वाले ऊपर वाले के लिए भी टू टीपीडी, नीचे वाले के लिए भी टू टीपीडी। तो फाइनल आंसर फोर टीपीडी आप बोल सकते हो, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो दोनों के दोनों सर्किट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, किसी भी सर्किट का आउटपुट किसी के इनपुट में नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला सर्किट तब तक परफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक ऊपर वाला ना करे, या ऊपर वाला तब तक नहीं किया जा सकता जब तक नीचे वाला ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही इंडिपेंडेंट है आपस में, तो आप इन दोनों को भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? टू टीपीडी। ठीक है, तो एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है, गुड। सबको क्लियर है अच्छे से? किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, सो ये था आपका फुल एडर। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ एडर्स दैट इज पैरेलल एडर और लुक अहेड कैरी एडर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो आज की क्लास में भी इतना ही, आप लोग यहां तक स्टडी करके रखो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।